हेलो गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू आर क्लास दिस इज पूजा वर्मा सो बुक नेम इज़ हिस्ट्री ऑफ चैप्टर थ्री दैली बच्चों लास्ट वीडियोज में हमने देखा कि किस तरीके से डेली सल्तनत जो है वो एस्टेबलाइज हो रही थी है ना बहुत सारे सुल्तान आए हैं ना उन्होंने अपना एम्पायर फैलाया फिर जो है वहाँ पर गैरिसन टाउन्स चल रहे थे और कैसे गैरिसन टाउन्स जो थे वो एक स्मॉल यूनिट थी है ना उससे एक बड़ा एम्पायर उन्होंने अपना बनाया ठीक है अब हम देखेंगे कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किस तरीके के टैक्सेज वो लगा रहे थे है ना पब्लिक और टैक्सेस कलेक्ट करने का काम कौन कर रहा था so, बच्चों तो कि आपने देखा क्या बोला गया मतलब एक गैरिसन टाउन जो था वो उन्होंने बनाया है ना फोर्टिफाइड जो जगह थी ना उसको उन्होंने बोला ठीक है तो वहां पर उन्होंने क्या अपॉइंट्स कर दिए बहुत सारे टैक्स कलेक्ट करने के लिए ना देखिए आप क्या है मिलिट्री कमांडर्स एस

इंडलेंड एरिया हो गया ना तो वो जो छोटा-छोटा एरिया था ना उनको क्या बोल दिया गया इक्ता ठीक है बच्चों सो so, इनलैंड्स को बोला गया इक्ता एंड द होल्डर वर्स कॉल्ड इक्तादार यस और वहाँ पर जिनको अपॉइंट किया ना रेवेन्यू टैक्स जो जो भी था उसको कलेक्ट करने के लिए जिसे अपॉइंट किया उसे बोला गया इक्तादार ठीक है बच्चों आगे देखिए सो so, ड्यूटी ऑफ मुक्तीज़ और इकतादार अब ये जो मुक्तीज है ना, देखो मुक्ती भी उसी को बोलेंगे और इकतादार भी उसी को बोलेंगे है ना कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोनों वर्ड जो है वो एक के लिए आया है ठीक है तो अब ये मुखतीज जो थे इकतादार जो थे इनकी क्या क्या ड्यूटीज़ थी सो so, लीज मिलिट्री कैम्पेन्स एंड मेन्शन लॉ एंड ऑर्डर ये ये क्या करते थे जो भी मिलिट्री कैम्पेंस होते थे है ना जो भी सोल्जर्स होते थे उनको एक तरीके से मोनिटरिंग करते थे और साथ में ही लॉ एंड ऑर्डर जो भी उनके लिए रूल्स बनाने होते थे वो सारा काम ये मुख्तज़ करते थे है ना मुख्तीज कह लो या फिर इकतादार कह लो दैन इन एक्सचेंज फॉर दियर मिलिट्री सर्विसज द मुक्स कलेक्टेड द रेवन्यूज ऑफ दियर असाइनमेंट एज सैलरी ये साथ ही ये जो पर्टिकुलर एरिया जो इनको दिया गया है ना जहाँ पे मतलब इनको अपॉइंट किया गया है ना उस एरिया से क्या करते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे रेवेन्यू क्या था टैक्स था ठीक है तो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे और उसी टैक्स में से क्या होती थी इनकी खुद की भी सैलरी उसी में से आती थी ठीक है बच्चों सो so, आगे देखिए दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज यस और इसी में से जो वो टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहा है ना उसी में से जो है वो एक तरीके से को टैक्स जो होती है वही तो अर्निंग होती है ना पब्लिक की है ना तो वहीं से सैलरी पे होती है जैसे कि आज के टाइम पे होता है हम जो भी टैक्स देते हैं पब्लिक जो भी टैक्स देती है तो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉज होते हैं उन सबको वहीं से तो सैलरी जाती है ना तो वहीं वो भी यहाँ पर भी वही हो रहा था ना जो इकतेदार थे है ना मुक्तीज थे उनको सैलरी वहीं से जा रही थी जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा था वहाँ से प्लस जो सोल्जर्स जो काम कर रहे थे ना रूलर के लिए जो सोल्जर काम कर रहे थे उनकी सैलरी भी उसी में से जा रही थी ठीक है सो कंट्रोल ऑवर मुक्तीज़ वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ दियर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल देखो अब इतनी पावर मुक्ति को दे दी है ना इकतदार को इतनी पावर दे दी कि रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करने का काम करेंगे अब उसके ऊपर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि अगर उसको अब बिल्कुल फ्री कर देंगे तो वो अपने मन से जो है बहुत ज़्यादा कलेक्शन कर सकता है ना ठीक है खुद का जो है सेल्फ इंटरेस्ट उसके ऊपर ज़्यादा भारी हो जाएगा है ना तो इसलिए उसके ऊपर क्या था कंट्रोल करना ज़रूरी था है ना सो कंट्रोल ऑवर मुक्तीज वो

उनकी फै, मतलब फैमिली बिजनेस नहीं होगा एक तरीके से ये ठीक है तो इस तरीके से इसको फिक्स नहीं रखा गया देन एंड इफ देवर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बींग शिफ्ट ऐसा कुछ शॉर्ट टाइम के लिए ही उनको जो है अपॉइंट किया जाता था और बाद में उनको शिफ्ट कर दिया जाता था दूसरी जगह पर है ना तो ये सारे काम किस लिए किए गए ताकि मुक्तीज पे क्या किया जा सके कंट्रोल किया जा सके ठीक है आगे देखिए आपके जो अलाउद्दीन खिलजी हुए है ना उनके टाइम पे उन्होंने क्या मतलब ऐसा जो भी मुक्तीज थे ना उनको कंट्रोल करने के लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट डाले वो देखिए सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी यस किसे अपॉइंट कर रहे हैं ये अकाउंटेंट्स को अब किसके लिए अपॉइंट कर रहे हैं जो आपके मुक्तीज है ना बच्चों तो वो जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रहे हैं ना तो उनके ऊपर जो है मॉनिटरिंग करने के लिए कि कहीं वो ज्यादा टैक्स तो नहीं ले रहे हैं है ना जो स्टेट ने जितने टैक्स लागू किए हैं उनसे कहीं ज्यादा तो मनमाना टैक्स तो नहीं ले रहे ना। तो उसके लिए उन्होंने किसे हायर किया अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया किसके टाइम की बात हो रही है ये हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ठीक है इन दोनों रूलर्स के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो बस वही चल रहा है ना तो इनके टाइम पे अकाउंटेंट्स अपॉइंट किए गए जो कि किसकी मॉनिटरिंग करते थे मुख्तीज की मॉनिटरिंग करते थे सो बाई दिस

वो उतने ही रखे जा रहे हैं या नहीं कि जितने की रिक्वायरमेंट है ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी कर ले और बाद में जो है वो बगावत कर दे किसके मतलब रिबेल खड़ा कर दे किसके खिलाफ जो भी सुल्तान है उसके अगेंस्ट है ना तो ऐसा जो है अश्योर करते थे कौन करते थे जो ये आपके कौन होते थे, थे? अकाउंटेंट जो होते थे है ना वो क्या शॉर्ट करते थे कि एक तो जो स्टेट जो टैक्स लगा रहा है क्या उतना ही टैक्स ये ले रहे हैं या नहीं कौन मुख्तीज एक तो ये अश्योर करते थे साथ में ही क्या करते थे कि जो सोल्जर्स हैं है ना वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने ही सोल्जर्स को वो ट्रेन कर रहे हैं या उससे ज़्यादा कर रहे हैं ना तो ये सारी श्योरिटी का काम कौन करते थे ये अकाउंटेंट करते थे ठीक है इससे क्या रहता था मुखतीज पर कंट्रोल रहता था है ना वो अपना मनमर्जी नहीं कर सकते थे ठीक है आगे देखिए दिल्ली सुल्तानस अब देखो जो डेली सुल्तानस थे है ना उनका कंट्रोल किस एरिया पे पूरे तरीके से था जो गेरिसन टाउन्स थे उन पर ठीक है फिर उन्होंने ट्राई किया कि जो हिंटरलैंड एरिया है हैटरलैंड एरिया मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुकी हूँ क्या है ना जो अटैच्ड एरिया जो था जो गेरिसन टाउन से जो अटैच एरिया था दैट वॉज हिंटरलैंड है ना तो कंट्रोल द हिंटरलैंड तो उस पर कंट्रोल uh, किया उन्होंने है ना साथ ही uh, एक uh, चीज़ आप जान लो कि जो हिंटरलैंड एरिया था ना वहाँ पर गैरिसन टाउन आपके कहाँ चल रहे थे डेली बंगाल और सिंध है ना यहाँ चल रहे थे फिर जो हिंटरलैंड एरिया जो अटैच एरिया था वहां पर भी जो है लोकल चिफ्ट हो गए और सामंस हो गए ये रूल कर रहे थे ना बच्चों तो देखिए सामंत एंड रिच लैंड लॉर्ड्स व फोर्स टू तो एक्सेप्ट दीअ अथॉरिटी अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो सामंत जो है वो इजीली जो है उनको रूल करने देंगे है ना वो उनके अगेंस्ट जाएंगे लेकिन जो सुल्तान थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे ना पूरी एक बड़ी आर्मी थी उनके पास में पूरी एक बड़ी टीम थी तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल चीफ्टंस थे सामंत थे उनको फोर्स किया है ना उन पर उनको प्रेशराइज़ किया किसके लिए कि वहाँ पर वो काम कर रहे थे रेवेन्यू या टैक्स कलेक्शन का ना तो उनको फोर्स किसके लिए किया टू एक्सेप्ट दिय अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स किया प्लस क्या किया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम है वो खुद के ऑफिसर्स को दे दिया और सामंस को वहां से हटा दिया ठीक है so, सो आगे देखिए अला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अलाउद्दीन खलजी का देखो मोस्टली हम तो जो ये दो रूलर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खलजी और तुगलक के बारे में ठीक है तो खिलजी के टाइम पे देखिए उन्होंने क्या किया उन जो सामंस थे जो लोकल चिफ्टन थे उनके साथ में क्या किया द राइट्स ऑफ द लोकल टू चीफ्टवी टैक्सेस व कैंसल्ड ये जो सामंस जो भी टैक्स कलेक्ट कर रहे थे उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया ठीक है अब सामंत तो उनका बंदा नहीं है ना ठीक है सामंत जो करेगा कलेक्शन का काम वो उसके लिए फेथफुल थोड़ी रहेगा जो भी सुल्तान है उसके लिए ना तो इसलिए उसको हटा दिया और ख़ुद के जो मुक्तीस थे वो वहाँ पर उन्होंने अपॉइंट कर दिए एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेज और साथ ही जो सामंस है उनको भी बोला गया उनको भी प्रेशराइज किया गया कि आप भी टैक्स पे करो ठीक है देन सम ऑफ द ओल्ड चीफ टर्नस एंड देखो जो कुछ पुराने चिफ्टन थे कुछ पुराने लैंडलॉर्ड्स थे है ना जो काफ़ी रिच थे है ना सर्व द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एक्सेसर्स यस उनको जो कुछ पुराने चिफ्टन थे ना कुछ पुराने रिच लैंडलॉर्ड्स थे उनको जो है एज़ अ रेवेन्यू कलेक्टर उनको रहने दिया वहाँ पर कि ठीक है आप एज अ रेवेन्यू कलेक्टर वहाँ पर रहो लेकिन टैक्स कलेक्शन का काम पूरा कौन करेगा हमारे मुख्तीस करेंगे ना तो कुछ को इन्होंने छोड़ भी दिया और कुछ की जगह पूरे मुख्तज जो है उन्होंने अलॉट कर दिए ठीक है सो so, किसके टाइम की बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी के तो इस तरीके से मतलब ये ऑल ओवर हम जान रहे हैं कि जो खिलजी और तुगलक्स हुआ ना तो इनके टाइम पे इन्होंने किस तरीके से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को है ना किस तरीके से रेवेन्यू जो इनका टैक्स वाला था ये किस तरीके से उन्होंने उसको स्ट्रिक्टली लागू किया ठीक है आगे देखिए दे वर द थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेज यस अब जो टैक्स वो कलेक्ट कर रहे थे वो थ्री टाइप्स के थे है ना कितने टाइप्स के थे बच्चों थ्री टाइप्स के थे तो कौन कौन से टैक्सेज थे फर्स्ट आता है ऑन कल्टीवेशन यस जो भी फार्मिंग हो रही थी है ना जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसके ऊपर टैक्स वो लगा रहे थे ना अब वो टैक्स भी किस तरीके से लग रहा था देखिए कॉल्ज खराज यस yes, जो कल्टिवेशन जो प्रोडक्शन पे जो टैक्स लग रहा था ना उसे किस नाम से बोला गया खराज ठीक है ध्यान रखना है आपको खराज बोला गया एंड अमाउंसिंग टू अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ द पीजेंस प्रोड्यूस येस जो भी प्रोडक्शन हो रहा था ना जो भी फार्मिंग हो रही थी तो ज, टोटल जो हो गई ना एग्रीकल्चर उसका फिफ्टी परसेंट जो है वो कैसे जाएगा एज ए टैक्स रूडर को जाएगा ठीक है तो मतलब आ, फिक्स कर दिया कि आप जित कितनी भी फार्मिंग कर रहे हो उसका फिफ्टी परसेंट जो है वो तो टैक्स के आ, उसमें ही जाए टैक्स की फॉर्म में ही जाएगा ठीक है देन ये तो फर्स्ट हो गया किस पे प्रोडक्शन पे है ना जो भी आ, फार्मिंग होगी उस पर ठीक है सेकेंड आता है ऑन कैटल येस अब कुछ हो, जो होते थे वो क्या करते थे जो भेड़ बकरियाँ वगैरह है ना इनको क्या करते थे पालते थे है ना तो उनसे भी वो एक तरीके से मतलब ट्रेड करते थे ना तो उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स लगाया देन थर्ड आता है ऑन हाउसेस अब वो उन्होंने जो है जिसकी जितनी ज़मीन होगी लैंड्स होगी ना कुछ बड़े बड़े लैंड लोड्स थे है ना तो उनसे भी वो क्या कर रहे थे वहाँ पर भी टैक्स लगा के जो है पैसा अर्न कर रहे थे ठीक है तो आ, टोटल थ्री टाइप्स के टैक्सेज हो गए प्रोडक्शन पे है ना कल्टिवेशन पे कैटल्स पे और हाउसेज पे ठीक है इस तरीके से वो टैक्स जो है वो लगा के पब्लिक से जो है अर्निंग कर रहे थे है ना कौन सुल्तानस और टैक्सेस उन्होंने कलेक्ट करने के लिए किसको अलॉट किया मुक्तीज को है ना और मुक्तीज की मॉनिटरिंग करने के लिए किसे अपॉइंट किया उन्होंने जो आपके अकाउंटेंट्स थे उनको ठीक है ये खिलजी और तुगलक के टाइम की बात हो रही है देन आगे आइए लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टीनेंट रिमेन्उ साइड द कंट्रोल ऑफ डेली सुल्तान यस अभी भी एक बहुत बड़ा पार्ट था ना जिसको हम इंडिया का सब कॉन्टिनेंट पार्ट जो है वो बोलते हैं अब सब कॉन्टिनेंट क्या है वो देखिए जो इंडिया है है ना उससे अटैच जो कंट्री है नेबर कंट्रीज लाइक चाइना ना पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो सब सबकॉन्टिनेंट पार्ट है ना तो ये अभी भी ऐसा पार्ट था जहां पर सुल्तान का जो है कंट्रोल नहीं था ना तो देखिए इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉ फ्रॉम डेली येस अब उसके रीजनस क्या थे कि आपको बताया था मैंने गैरिसन टाउंस जो थे है ना वो काफ़ी uh, मतलब डिस्टेंस से बनाए गए थे ना तो ठीक है तो दिल्ली में uh, ये आपके सुल्तान बैठते थे है ना तो डेली से बैठ कर बेंगाल uh, है ना बंगाल फ्राम डेली यहाँ का जो एरिया है यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था ना तो डिस्टेंस जो थी वो इसके लिए एक रीज़न थी ठीक है इन द गंगेटिक प्लान देव व फॉरेस्ट हेड एरिया येस आपकी जो गंगा uh, वाला जो प्लेन मतलब जो आपके वो है ना ग्राउंड है ना तो वहां पे क्या था एक तरीके से बहुत सारे फॉरेस्ट थे है ना ठीक है तो वहां पर भी जाना जो है इनके लिए वो रूट भी जो है जाने के लिए इनके लिए काफी डिफिकल्ट होता था ना सो दैट सल्तनत कुड नॉट पेनिट्रेट ये ऐसे इसलिए वहाँ पर भी इनके लिए थोड़ी काफ़ी डिफिकल्टी आती थी देन लोकल चिपटन्स एस्टेब्लाइज दियर रूल इन दीज रीजनस इसी कारण से क्या हुआ ये जो एरिया जो मैं बता रही हूँ ना जहाँ पे ये ठीक से रूल नहीं कर पाए जहाँ पर इनका कंट्रोल नहीं था तो वहाँ पर जो लोकल चिप्टन थे ना जो लोकल लैंडलॉर्ड्स थे वो रूल करने लग गए ठीक है बच्चों तो अब कोशिश तो इनकी यही रही थी कि हम वहाँ पर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाए लेकिन कुछ डिफिकल्टीज इनके सामने आई लाइक डिस्टेंस फॉरेस्ट रूट है ना तो इनके कारण से वहाँ पर जो लोकल जो टेंस थे उनका रूल हो गया देन अब देखिए आगे आपके आ, देखो आपकी बुक के अंदर साइड में कुछ ब्लॉक्स बने हुए होते हैं ना तो कई बार हम उनको स्किप कर देते हैं तो उनको स्किप नहीं करना है उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं ना तो ये कौन हुए आपके इब्न बतूता देख लीजिए अब इब्न बतूता कौन है आपके जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बच्चों वहाँ की एक सिटी है मोरक्को ये वहाँ से आए थे ट्रैवलर थे इंडिया में आए थे प्लस ये एक ऑथर भी थे है ना ठीक है तो ये क्या बता रहे हैं देखिए एक्सप्लेन अबाउट चिपटन्स एंड दियर फोर्टिफिकेशन यस अभी मैंने आपको जो बताया कि जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट पार्ट

अन अनइवन रग् प्लेसेस यस इन्होंने बताया कि जो लोकल चीफटन से वो अपने आप को किस तरीके से जो भी आ, फ, आ, क्या करते थे कैसे फोर्टिफाइंग करते थे माउंटेंस रॉकी एंड अन अनइवन रग् प्लेसेस जो होते थे ना वहां पे खुद को फोर्टिफाइंग मतलब कि फोर्ट्स बनाकर जो है खुद को सेफ रखते थे सुल्तान से ठीक है Then लिविंग इन साइड द फॉरेस्ट from bamboo बैम्बू yes, येस और जो आपके गैंगेटिक प्लेन जो एरिया है ना जो गंगा वाला मैदान है वहाँ पर आस पास में जो भी फॉरेस्ट थे उनमें खुद को कवर्ड करके रखते थे वहाँ पर क्या होते थे? बैम्बू ग्रोव्स जो होते थे जो बड़े बड़े जो बैम्बू के जो होते थे ना ट्रीज़ तो उनके बीच में वो छिप करिए रहते थे सैन इन देंस दे कैन नॉट बी सब ज्यूट एक्सेप्ट पावरफुल आर्मीज लेकिन जो है वो एक पावरफुल आर्मी तो नहीं खड़ी कर पाए लेकिन वो एक तरीके से उनसे बचते रहते थे है ना जो सुल्तान होते थे उनसे बचने के लिए वो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते थे ठीक है आगे देखिए सो द मंगोल अंडर गेंगीज खान यस देखो अब छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको रीड कर रहे हैं ना छोटे छोटे जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं मैं उनको डिफाइन कर रही हूँ तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है ना पहले मैंने आपको इब्न बतूता के बारे में बताया कि किस, किस तरीके से उन्होंने बताया कि जो लोकल चिफ्टन होते थे वो कैसे खुद को सेफ रखते थे सुल्तान से है ना अब पढ़ रहे हैं हम द मंगोल अंडर गेंगीज़ खान यस ये आपको दिख रहे हैं बहुत ही डेंजरस uh, थे चंगेज़ खान इनको बोलते हैं गंगेज खान इनको बोलते हैं ना तो एक तरीके से ये कौन थे जो आपके चाइना की जो बेटा uh, ट्राइब एक है ना चाइना के जो ट्राइब्स है ना उनके लीडर थे एक तरीके से ये गंगीज़ खान है ना ठीक है एक ट्राइब ग्रुप है एक तरीके से चाइना का है ना वहाँ के लीडर थे कौन गंगीज़ खान ठीक है मंगोल थे ये है ना सो so, देखिए इनका क्या रहा किस तरीके से ना उनकी काफ़ी अटैक भी हुए इंडिया पर है ना हालाँकि उस वक्त जो है चाइना वाला एरिया आपके इस तरीके से अटैक करते हुए यूरोप तक ये पहुंच गए थे है ना तो देखो आप अगर हम देखेंगे कि जो इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो हिमालय से जो आपके माउंटेन है हिमालय ना उससे कवर्ड है तो उस एरिया से तो ये ईस्ट वाले एरिया से तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से तो ये अंदर नहीं घुस पाया क्यों क्योंकि हिमालय था इतने ज़्यादा ब्रेव नहीं थे कि हिमालय को चढ़ के फिर आ जाए अटैक करने के लिए है ना तो इन्होंने क्या किया जो आपका नॉर्थ वेस्ट एरिया है ना वहाँ से अटैक इन्होंने इंडिया पर किया कब कब किया किस किस रूलर के टाइम पर किया

वहां पर अटैक किया था ठीक है की बात हो रही है देन मंगोल अटैक्स ऑन द द सल्तनत इंक्रीज ऑफ अलाउद्दीन यस अब ये किसके टाइम पे इंडिया में किस टाइम पे देखो उधर हिमालय है, है उधर हमारे जो जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहां पर हिमालय तो इस वजह से ये उधर से तो अटैक नहीं कर पाया लेकिन धीरे धीरे जब यूरोप तक पहुंच गया ईरान तक पहुंच गया तो फिर उधर से इसने एंट्री मारी है से नॉर्थ वेस्ट से है ना एंट्री मारी है किसके टाइम पे अलाउद्दीन खलजी के टाइम पे ठीक है अलाउद्दीन खलजी का मतलब एक तरीके से एंड पीरियड चल रहा था था, उस टाइम पे इसने एंट्री मारी यहां पर अटैक किया ठीक है देन एंड इन द अर्ली इन ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल यस और मोहम्मद तुगलक के टाइम की स्टार्टिंग में इसने अटैक किया ठीक है कहाँ पर इंडिया में है ना किसकी बात हो रही है चंगेज़ खान की बात हो रही है ठीक है और ट्राइब से ये कनेक्शन uh, रखता है ठीक है देन लेट एस सी हाउ द टू विद दिस यस इन दो सुल्तानों ने किस तरीके से डील किया ये हम देखने वाले हैं ठीक है चंगेज़ खान कौन है जो आपके चाइना के जो ट्राइब ग्रुप है ना वहाँ का लीडर है मंगोल से आया है मंगोलिया बोलते हैं इनको ना इसने जो है काफ़ी बड़ा एम्पायर ने फैलाया बाद में दिल्ली पे जो इन्होंने अटैक किया तो आपके अलाउद्दीन खलजी है उस वक्त है ना और फिर तुगलक ने भी जो है इसका सामना किया कैसे किया क्या क्या रहा देखिए वो देखेंगे हम सो so, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक जो इस आपकी बुक में टेबल दी हुई है ना ठीक है तो वहीं से मैं इसको पढ़ा रही हूँ सो डेली वॉज अटैक ट्वाइस दो बार जो है डेली पर अटैक हुआ कब कब हुआ ट्वेल्व नाइनटी नाइन थर्टीन हंड्रेड जीरो टू टू थर्टीन जीरो थ्री ठीक है टैकल दिस ही रीज लास्ट स्टैंडिंग आर्मी यस इसको टैकल करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी जो है अपनी बनाई किसकी बात हो रही है अलाउद्दीन खिलजी की देखो अलाउद्दीन खिलजी जो थे डिफे अर्न करते थे खुद को है ना मतलब कि सामना करते थे जो भी एनिमी होता था उसका ठीक है तो इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी अपनी बनाई देन डेली वॉज अब दोनों को कंपेयर करते हुए हम पढ़ेंगे ठीक है अब मोहम्मद तुगलक के टाइम पे क्या था उसके टाइम पे भी अटैक हुआ डेली वॉज अटैक अंडर हिम ऑल्सो मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड इन्होंने भी डिफीट कर दिया ही ऑल्सो रेज लास्ट स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने भी वही फॉलो किया है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी अपनी बनाई ठीक है देन कंस्ट्रक्टेड न्यू गर्स इन टाउन नेम सीरी येस इन्होंने क्या किया है अब अलाउद्दीन खिलजी की बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या किया एक नया गैरीसन टाउन बनाया अपना दिल्ली में ही है सिरी के नाम से ठीक है किसके टाइम पे बनाया है इन्होंने इससे बचने के लिए एक नया गैरीसन टाउन जो है गैरीसन टाउन फोर्टिफाइड जो एरिया था ना वो बनाया कौन सा था वो सिरी था ठीक है इसको याद रखना है आपको देन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया नो गैरीसन टाउन वाज़ कंस्ट्रक्टेड कोई गैरीसन टाउन नहीं बनाया है नए इन्होंने जो पुराने थे उसी से काम चला लिया रादर ओल्डर गैरीसन वर एमटी बल्कि जो पुराने गैरीसन टाउन थे उनको खाली कर दिया साथ ही एंड रेजिडेंस वर टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ इसके साथ में ही इन्होंने एक नई कैपिटल बना दी है ना कहाँ पे दौलताबाद में और दौलताबाद कहाँ है आपके महाराष्ट्र में ठीक है वहाँ पर जो है फिर लोगों को शिफ्ट कर दिया इन्होंने अब उसका देखो आगे जाके उसका बहुत जो है उसके अगेंस्ट भी गए लोग ने बहुत भरा भला बुरा भी कहा इनको है ना ठीक है तो देखो ये क्या बना रहे हैं नए गैरिसन टाउन इन्होंने बनाया इन्होंने नए गैरिसन टाउन नहीं बनाया बल्कि जो पुराने थे उनको भी खाली करवा दिया और जो अपनी कैपिटल थी वो शिफ्ट कर दी कहाँ पर डेली से कहाँ शिफ्ट कर दी दौलताबाद महाराष्ट्र में ठीक है जिसके अगेंस्ट लोग आगे जाएंगे इनके देन टैक्स इन फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम गंगा यमुना दोआब यस अब जो टैक्स थे वो कलेक्ट uh, कर रहे थे जो भी गंगा यमुना दोआब के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर जितना प्रोडक्शन हो रहा था ना वहाँ से टैक्स कलेक्ट कर रहे थे वॉज़ कलेक्टेड टू फीड सोल्जर्स और जो है जो भी सोल्जर्स होते थे

यहाँ पे एक लाइन आई हाँ है कि टैक्स इन फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम गंगा यमुना दोआ वॉज कलेक्टेड टू तो फीड सोल्जर्स तो गंगा यमुना का जो एरिया था ना वहाँ से जो अर्निंग हो रही थी वो तो किसके किसके लिए जा रही थी सोल्जर्स के लिए जा रही थी उसके अलावा और जो प्रोडक्शन काम हो रहा था ना वहाँ का फिफ्टी परसेंट एज अ टैक्स ले रहे थे ठीक है तो ये यह काम यहाँ पे हो रहा था अब इन्होंने क्या किया देखो यहाँ पे इन्होंने गलती की प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड आर्मी एंड एडिशनल टैक्स वॉज इम्पोज दिज लेट टू अ फैम Yes. इन्होंने क्या किया जहाँ से ये टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं वहीं से जो है सोल्जर्स को भी ये वहीं से जो है पे कर रहे हैं मतलब कि सोल्जर्स के लिए सोल्जर्स के सर्वाइव के लिए जो है वहीं से पेमेंट भी वहीं से आ रहा है जो टैक्स आ रहा है ना वहीं से उनका भी जो है खाना पीना चल रहा है और वहीं से जो है रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो सुल्तान के पास में जा रहा है ठीक है तो इस तरीके से क्या हुआ एक जगह से आप कितना ले सकते हो है ना तो इसलिए जो है फेमिन की जो है सिचुएशन वहाँ पर आ गई थी अकाल वकाल हो गया था ना पैसों की काफ़ी कमी हो गई थी ठीक है तो इतना सारा जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो टैक्स भी वहीं से जा रहा है हो, और जो सोल्जर्स थे उनका खाना पीना भी वहीं से जा रहा था तो इस वजह से जो है फेमाइन की सिचुएशन वहाँ पर आ गई थी किसके टाइम पर मोहम्मद तुगलक के टाइम पर ठीक है तो ये जो है आपको डिफरेंस ये याद रखना है कि इसके टाइम पर क्या हुआ देन इसी सिचुएशन में जो है मोहम्मद तुगलक ने क्या किया ठीक है तो कंपेरिजन करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा है ना आगे देखिए salaries to soldier were paid in cash, yes, rather than iktas. तो इन्होंने जो भी सोल्जर्स थे उनको पे कैसे कर रहे थे कैश में पे कर रहे थे ना देन द प्राइज ऑफ द गुड्स व कंट्रोल्ड इन डेली मर्चेंट्स हु सेल अगेंस्ट द प्रिस्क्राइब रेट्स व पनिश यस जो भी मर्चेंट्स होते थे ना जो भी गुड सर्विस प्रोवाइड होती थी पब्लिक को तो उनके जो प्राइजेस होते थे ना किसी भी सामान का प्राइस होता था वो फिक्स कर दिया गया था ना स्टेट के थ्रू फिक्स कर दिया गया था मर्चेंट्स जो है वो अपनी मन मर्जी से बहुत ज़्यादा प्राइजेस नहीं लगा सकते थे अगर ऐसा कोई करता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी है ना किसके टाइम पे पे हो रहा है खिलजी के और जो भी ए, इकताज और जो आपके है है ना soldiers, उनको कैसे पे किया जा रहा है? कैश में सैलरी दी है ठीक है अच्छी बात है देन, ये की, इसने क्या किया टोकन करेंसी यूज करी जैसे कि अभी आपकी करेंसी चलती आपकी रुपीस है आपकी रुपीज चलते हैं ना नोट चलते हैं ठीक है ठीके? तो उस टाइम पे इसने टोकन करेंसी मतलब कि आपके मेटल के जो सिक्के होगा इस तरीके से इसने टोकन करेंसी उस वक्त चला दी ठीक है अब इसने चलाई तो इसलिए थी कि ठीक है अच्छे से जो है वो ट्रेड हो पाएगा ना अच्छे से सेल परचेसिंग हो पाएगी देन लाइक टू मेड ऑफ चीप मेटल्स मेटल्स कैसे बना ये के बने होते थे पीपल मेटल ट्रस्ट दैट यस अब देखो गोल्ड सिल्वर इन पे तो लोगों का हमेशा से ट्रस्ट रहा है ना कि पैसा चले ना चले ये तो हमेशा चलेगा ठीक है लेकिन जब मेटल की जो इसने जो ये चलाया ना टोकन चलाया ठीक है तो उस पर लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है ना तो इस तरीके से लोगों का ट्रस्ट नहीं था इट वॉज अ लॉट एंड पीपल यू

को पे कर रहे थे देन आगे देखिए अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रॉनिकल्स प्लीज हिम देखिए जो अलाउद्दीन ने जो भी डिसीजनस uh, लिए ना अपने तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे है ना क्योंकि देखो ये एक तरीके से जो भी अटैक हो रहे हैं तो उनको उसका सोल्यूशन करने के लिए ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं एक तरीके से भागते हुए दिख रहे हैं है ना अब दूसरा गलती इन्होंने क्या करी है जो टाकन करेंसी चला दी इस कारण से वहाँ पर अकाल वाली सिचुएशन आ गई ठीक है ना तो इनके टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था ना इन्होंने गैरसन टाउंस काफ़ी सारे बना दिए उन्होंने अपनी जो है कैपिटल ही शिफ्ट कर दिया

when into kashmir was a disaster shifting of people to daltabad was uh, resettled. रेजिंग ऑफ टैक्सेज एंड यूजिंग टोकन करेंसी तो ये जो भी रीजनस मैंने आपको बताया कि उन्होंने टोकन करेंसी यूज़ करी है ना जो आपका आ, कश्मीर का जो डिजास्टर हुआ then दौलताबाद में उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी तो ये सारे जो जो पॉइंट्स रहे ना इनकी वजह से इनको एज अ फेलियर इनको जो है देखा जाता है ठीक है तो इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक में अगर, अगर कंपेरिजन किया जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड था वो क्वाइट बेटर दैन मोहम्मद खुल तुगलक ठीक है लेकिन अगर देखा जाए देखो अलाउद्दीन खिलजी इससे पहले के रूलर रहे हैं ना तो इन्होंने काफ़ी बड़ा जो है एक एम्पायर खड़ा कर दिया था तो इनके टाइम पे जो है एम्पायर पीक पर पहुंच गया था तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे जो बड़ा एम्पायर था वो किस सुल्तान के टाइम पर था तो दैट वॉज़ मोहम्मद तुगलक ठीक है तो ऐसे सरप्राइज़ नहीं होना है कि इसने किया गया है ना तो जो बड़ा एम्पायर है वो इन्हीं के टाइम पर है मोहम्मद तुगलक के टाइम पर समझ में आया बच्चों तो ऐसे कंपेरेटिव स्टडी करते हुए आपको पढ़ना है तो काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए है ना आगे देखिए लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर uh, का दल्तनाथ इन द 15 एंड 16 सेंचुरीज़ अब जो है ये सुल्तान जो रूल कर रहे थे तो 15 16 सेंचुरी में आके क्या सिचुएशन थी जब इनका रूलिंग पीरियड एकदम एंड पे आ गया अब देखिए क्या है सल्तनत डायनेस्टीज़ रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अनटिल 1526 ट्वेंटी कब तक रूल किया इन्होंने फिफ्टी ट्वेंटी सिक्स से आगरा वाले एरिया में इन्होंने रूल किया है ना सो so, आपने देखा कि जो फाइव सिक्स डायनेस्टी मैंने आपको बताया कि पहले स्लेवस आए है ना फिर आपके जैसे खिलजी तुगलक है ना लोदी ये डायनेस्टीज आपके रूल कर रही थी ना तो फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स तक रूल कर रहे हैं देन बाय देन अब जो जहाँ पर इनका कंट्रोल पूरा नहीं था जो हिंडरलैंड एरिया हो गया ना तो जो कुछ सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया हो गया वहाँ पर इनका जो है कंट्रोल नहीं था तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे रूलर्स आ चुके थे ना धीरे धीरे जो है इनका कंट्रोल जो है कम होता जा रहा था तो जो लोकल रूलर्स थे ना वो इनके ऊपर जो है वो हावी हो रहे थे देन

रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत यस अब यहाँ पर जो है आपको बड़े बड़े रूलिंग ग्रुप दिखेंगे है ना जो इमर्ज हो रहे हैं आपके राजस्थान में राजपूत जो है वो अच्छे से आ चुके थे है ना अफगान्स जो आ चुके थे आगे देखिए इमरजेंस ऑफ स्मॉल बट पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड शेर शाह देखो अब जो है थर्टीन सेंचुरी में आपके ये मुगल एम्पायर आ गया है ना दहली सुल्तान जो रूल कर रहे थे उनके बाद में मुगल्स की एंट्री हो गई थी है ना चंगेज खान का अटैक वो सब तो मुगल्स आ गए थे आपके लेकिन जब आ, फर्स्ट जो आया आपके बाबर आया ना उसने मुगल एम्पायर को कर दिया था उसके बाद में बाबर के बेटे हुए हुमायूं वो रूल कर रहे थे लेकिन उस वक्त फिर एंट्री होती है में में ना 1539 में, देखो आगे वाले चैप्टर में हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसको अभी आप शॉर्ट में समझिए फिफ्टीन फोर्टी में कौन आ गए हैं शेर शाहुर है शेर शाहुर कहाँ से आ गए हैं बंगाल के रूलर थे ये ना ये आए फिफ्टी फोर्टी टू फिट फोर्टी फाइव इन्होंने रूल किया है ना हुमायूं के टाइम पे ठीक है उसके बाद में फिर से आपके अकबर आते हैं तो इस तरीके से जो है मुगल एम्पायर जो है काफी लंबा चलने वाला ना आगे चैप्टर में इसको हम अच्छे से देखने वाले हैं ठीक है तो आगे देखिए तो मुगल एम्पायर की एंट्री हो जाती है तो उससे पहले शेर शाह सूर जो है वो बीच में रूल करके जाते हैं देन हिज मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो शेर शाह है ना शेर शाह जिनको कहते हैं ना तो His mode of administration was borrowed from Alauddin Khilji. Yes, उन्होंने जो उनका जो भी administration वाला procedure प्रो, था वो कहाँ से borrow किया उन्होंने Alauddin Khilji मतलब उनका जो model था administration का ना rule करने का तो वो कहाँ से borrow किया है Alauddin Khilji का मतलब कि उनकी तरह से है वो है ना किसके किसकी तरह से है Alauddin Khilji and later Shah's model was followed by Akbar और बाद में किसको follow किया उन्होंने जो आपके Mughal emperor हैं Akbar the great Akbar है ना उनको follow करते हैं ये Akbar under Mughal Empire yes. ठीक है तो मतलब कि अच्छी चीज़ों को लोग फॉलो करते हैं तो शेर शाह सोन ने किस किस को फॉलो किया अलाउद्दीन खलजी ने अकबर को ठीक है तो इस तरीके से जो है ये आपके दिल्ली सल्तनत जिसके बाद में खत्म हो जाती है और किसकी एंट्री हो जाती है मुगल्स की एंट्री हो जाती है तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से मुगल्स जो है वो यहाँ पर इंडिया में रूल करते हैं और अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं ठीक है तो धीरे धीरे जो है हम हिस्ट्री आगे बढ़ती जा रही है हमारी ना तो आप लोगों को समझ में आया होगा नेक्स्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे सो थैंक यू सो मच